अस्सलाम वालेकुम तल्लाह व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे, अल्लाह करम उधर ठीक ठाक होंगे। भी आज हम आपको अपनी इस वीडियो में आज आपको एक छोटा सा नन्ना सा मेहमान दिखाएंगे जो हमारे सब्सक्राइबर है भाई, हमें देखे गए हैं और साथ की मदर भी आई है और साथ में इतना सारा दामा भी हमें देखे है। तो कहता है ये मेरे पास अकेला ही है, इसका जो इसके साथ जो एक मेल था वो उड़ गया, फीमेल रही, इसका छोटा सा बच्चा रह गया, आप ले लो। मैं कह लाओ हमें दे दो, कोई मसला नहीं है, आप हम इसे रखेंगे संभाल के। कहता है मैंने कहा अगर भरा होगा आप वापस लेना। कहता नहीं नहीं आप रख लो, हम नहीं इसे रखना। तो मैंने कहा मेरे पास कभी कबूतर रखे नहीं। ओ यार बता दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं, हमने कभी कबूतर रखे नहीं, मगर आपका मैं जरूर रख लेता हूँ। हम इसे टेम कर लेंगे बच्चे को, तो आपको हम जल्दी से दिखाते हैं। दोस्तों ये वाली इसकी मदर है, अब हमें डर लग रही है कि भाई उड़ना, जिसके पर पूरे हैं। और आपको इसका छोटा सा बच्चा दिखाता हूँ मैं अभी, इसकी इसकी मेल नहीं है, इसके साथ खाली फीमेल है। मैं आपको जल्दी से इनका बच्चा दिखाता हूँ छोटा सा। 2 3 go, ये देखें छोटा सा बेबी है इसका, ये हमारे पिजन का। हमने इसका नाम भी डिसाइड कर लिया, हम इसका नाम रखेंगे जैक। हम इसका नाम रखेंगे, हमने इसका नाम अब रखेंगे हम जैक। अब जैक के लिए हमें चाहिए घर छोटा सा, तो हम सोचे हैं डिसाइड करें जैक को हम इसी केज में रखेंगे और इसके साथ इसका छोटा सा अंदर घर बना देते हैं, फूसों पे इसे हम रख देते हैं। अब जल्दी से हम जैक का घर बनाते हैं। जैक को अब यहाँ पर रख दिया है, अब इसके लिए हम घर बनाते हैं जल्दी से और इसकी मदर के, ताकि इसकी मदर आके इसे फीड कराए और अच्छे से इनको बेट कर सकें इनको भी। उसके पहले मैं आपको अंडे दिखाते हूँ, हमारे इतने सारे अंडे हो गए डक्स के मुँह में, हमारी डक रुक नहीं हो रही है। मैं आपको जल्दी से खुडे में जाके अंडे दिखाता हूँ भी, आप देख सकते हैं कितने अंडे हो गए हमारे पास। ये मैंने पहले गिने थे, इसमें 2 मुर्गी के हैं, बाकी डक्स के हैं। ये टोटल 14 अंडे हो गए हमारे पास, 14 अंडे। रैबिट से कोई नहीं, अपने नेस्टिंग सारी बाहर निकाल दी है, तो कोई बात नहीं, अब हम बाहर निकलते हैं। हमारे यहाँ डक, हमारे खरगोश एक ये असील चूजी है हमारे पास, जो ऊपर फिर रही है, ये नीचे नहीं जाती। और बाकी सारे बाहर मैंने छोड़ दिए, मैं कह जाओ फिर अपनी लाइफ इंजॉय करो। और ये तित्तर को तो पता नहीं क्या है, इसके मैं पाकर ये आ जाऊँ तो ये ऊपर उछलने लग पड़ता है। ये चूचू मारा, चूचू मुझे यहीं पे है, इनको बाहर निकाला और इसकी फीमेल उड़ गई है, इसके 2 बच्चे हैं और ये अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। और ये ग्रीन नेक तो अंदर चले गए हैं हमारे, कॉकटल्स ने भी अंडे नहीं दिए अभी तक, फिशर ने भी नहीं दिए, कोई बात नहीं बहुत जल्दी ये भी दे देंगे। डिसाइड के लिए हम यहीं पर इसका घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तित्तर है, वहाँ पे कीड़े आ जाते हैं और मैं बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पे कीड़े नहीं आते हैं क्योंकि हमने इसको दाना बस खिला के फिर उठा लिया करेंगे। मैं जल्दी से इसका घर बनाता हूँ, इसे इस केज में छोड़ दिया है, आपको अंदर करीब से करके दिखाते हैं। हमने इसको अंदर छोड़ दिया है, ये बैठ गया हमारा जैक भी वहाँ बैठा हुआ है अपने बिस्तर पर, हमने नीचे तोड़ी भी छा दी, ऊपर भाग घास फूस भी रख दिया है और ये रख दिया, इसके लिए दाना भी रख दिया, पानी से अभी हम दे देते हैं। और इसके बाद हमें जो हमारा तित्तर था हमने उसे लोहे वाले केज में शिफ्ट कर दिया, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें हमने इस तित्तर को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, चूजों को हमने बाहर निकाल दिया, बाहर फिर लेंगे आराम से। हमें इसे कोकटल के, कोकटल अभी अंडा कोई नहीं दिया होगा मुझे पता, इतना छोड़ दो चलो इनको। वो हमारी डक्स खुद ही ऊपर आ गई, माशाल्लाह इतनी समझदार हो गई, पता नहीं किस पे चली गई हैं, अभी इतनी समझदार हैं ऊपर खुद आ जाती हैं हमारे। ये देखें ये सारा वो लिबड़ा हुआ है हमारा बतख, सारा उसने खाली में लिबड़ा हुआ है, अब इसे मैं छोड़ना ही नहीं। रैबिट्स में अपना खाना खा रहे हैं, अब इनको मैं थोड़ा सा इनको दाना डाल देते हैं चारे पे, तो आराम से खुश होकर खा लेंगे। इसे दाने के ऊपर, चारे के ऊपर दाना डाल दिया, अभी चारा खा रहे हैं हम, दाना भी साथ साथ खा रहे हैं, ये तो फुल हो गए हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल पेट केयर पीके2 को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।